लाउडस्पीकर की आवाज़ कम होने के साथ ही यूपी में आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। 2 साल बाद मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में नमाज अदा की गई। इस दौरान प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा रखी। योगी सरकार के आदेश से किसी को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। इस बीच सहारनपुर में फवारा चौक स्थित जामा मस्जिद पर अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद युवकों ने हंगामा कर दिया। सड़क पर नमाज पढ़ने को रोके जाने को लेकर गुस्साए युवकों ने करीब आधे घंटे तक अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। साथ ही युवकों ने सरकार का विरोध किया। जब पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने पहुंची तो जमकर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद मौके पर नगर कोतवाली के अलावा RAF और PAC बल तैनात किया गया। आज चंदुसार क्षेत्र अंतर्गत जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न की जा चुकी थी। उसके बाद जब मस्जिद से नमाज पढ़कर लोग लौट रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के अल्लाह अल्लाह करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण सामान्य है। इस कुछ मीडिया चैनलों द्वारा भ्रामक और असत्य खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के साथ ही कई मुल्ले मौलवियों से भी अपील करवाई गई थी कि मुस्लिम सड़क पर नमाज ना पढ़े। इसके बावजूद यहां मुस्लिम भीड़ सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अड़ गई। जब पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने पहुंची तो हंगामा शुरू हो गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामला भी शांत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।